Hello everybody, welcome or welcome back to my channel. So I'm back with another outfit from scratch video and इस बार मैं अपने लिए नहीं अपनी मासी के लिए एक outfit design कर रही हूँ. Actually ये video थोड़ा सा पहले का है क्योंकि ये एक वेलवेट सूट है एक्चुअली एंड काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग पड़ा था वीडियो एंड आई कुड नॉट एडिट इट बिकॉज मास्टर जी थोड़े बिजी चल रहे थे एंड उन्होंने कुछ टाइम लगा के हमें ये वाला सूट जो है वो स्टिच करके दिया है. सो इसलिए आप सबके साथ अब मैं इसको शेयर कर रही हूँ. बट इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड क्लासिक सूट, तो आप ऐसा डिज़ाइन जो है वो किसी भी दूसरे फैब्रिक में इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये वाला जो फैब्रिक है वो वेलवेट का फैब्रिक एक्चुअली हम लोग देखने गए थे लाजपत नगर मार्केट. उनको एक वेलवेट सूट चाहिए था, बहुत सिंपल चाहिए था जो वो कैजुअल डेली वेयर में कैरी कर सकें. तो उसके लिए हम लोगों ने एक ये वाला कलर सेलेक्ट किया था. इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक कलर, मॉविश पिंक जैसा शेड था. एंड लाजपत नगर मार्केट जहाँ से मैंने अपना ग्रीन वाला वेलवेट का फैब्रिक लिया था उसी शॉप से मैंने ये वाला फैब्रिक जो है हम लोगों ने परचेज़ किया है. तो हमने 5 मीटर्स ये वाला फैब्रिक लिया है एंड ये कॉस्ट किया है मैं अराउंड 175 रुपीज़ पर मीटर. सो ये वाला सूट मैंने शहनाज गिल का रिक्रिएट किया था. मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो बात करते हैं इस वाले सूट की. तो इसकी इंस्पिरेशन ली थी हमने पिंट्रस्ट से. तो उनको कुछ सिंपल सा चाहिए था जिसमें सिर्फ नेक में कुछ काम हो या फिर स्लीव्स में और उसके अलावा पूरा प्लेन हो. एंड उसके लिए हमने ये वाला इंस्पिरेशन लिया था एंड उनको भी ये वाला आउटफिट बहुत पसंद आया था. तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो था स्टेप वो था लेसेस परचेज करना. तो वैसे हम लोगों ने ट्राई भी किया था कि हम लोग सेम कलर या सिमिलर कलर जो है वो ढूंढ सके लाजपत नगर मार्केट में, बट ऐसा ब्लू कलर हमें कहीं पे भी नहीं मिला. सो हम लोगों ने फिर ये वाला कलर सेलेक्ट किया था. ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी कलर था एंड डेली वेयर के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर ये पूरा आउटफिट बन के आता, तो इसीलिए हमने ये वाला परचेज़ किया एंड काफ़ी डिफरेंट था. तो नेक्स्ट स्टेप जो था वो लेसेस का था. सो लेसेस हमें चाहिए थी कुछ ऐसी बारीक सी जो कि नेक पे अच्छी लगे एंड स्लीव्स में लगे. तो उनको कुछ हैवी लेसेस भी नहीं चाहिए थी, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वाली लेसेस भी नहीं चाहिए थी. सो हम लोगों ने काफ़ी सारी शॉप्स को एक्सप्लोर किया. ये बिल्कुल ही देख वैसे ही जरा सा स्पंजी लगेगी, मुश्किल हो जाएगी. सुंदर है लेकिन वैसे मुश्किल लगने में. वो नहीं, वो वैसा लग रहा है जैसे स्टोन चिपका हुआ होता है. तो ये वही लेस वाली शॉप है लाजपत नगर में जो मैंने आप सबके साथ लास्ट वीडियो में शेयर करी थी अपनी ईद आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की. उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो इट वाज दिस ब्यूटीफुल फ्लोरल ड्रेस जो मैंने अपने ईद आउटफिट के लिए डिज़ाइन करी थी. काफ़ी अच्छा वो सूट स्टिच होकर आया था एंड मतलब बनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था. सो उसका लिंक भी एक बार आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप उस वीडियो को भी एक बार देख लें. एंड मैंने जो लेसेस थी वो लाजपत नगर से ही परचेज करी थी. सो ये वही वाली शॉप है जो कि मैंने आपको शो करी थी. काफ़ी बड़ी शॉप है ये लाजपत नगर मार्केट में एंड इसकी डायरेक्शंस भी मैंने आपको दिखाई थी पूरी. ये ऑनलाइन सेल नहीं करते हैं तो आपको मार्केट आके ही परचेज करना पड़ेगा. सो ये इस तरीके से अनारकली बन के आया था पूरा. काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये आउटफिट था, तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लेना. एंड इसका जो फैब्रिक है वो मैंने कतरन मार्केट से परचेज किया था. सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, दबके में चाहिए दिखा दो, बस बारीक डिज़ाइन होना चाहिए, रिंग चल जाएगी ना इसमें. दिखाओ पहले आप एक, मुझे तो जैसे रेगुलर सूट पे लगाने को पार्टी वेयर सूट तो है ना, ये वैसे है प्रतीक. मेरी मासी को एक पतली लेस चाहिए थी जो कि नेक में लगे, एम्ब्रॉयडर्ड लगे एंड स्लीव्स में लगे. सो उनको ब्रॉड लेस नहीं चाहिए थी क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी साइड हो जाती है. सो ये बहुत सिंपल सा एंड एलिगेंट सा आउटफिट उनको चाहिए था. और फिनिशिंग नहीं आ रही पास से. फिनिशिंग नहीं है, कलर डल है ना तो वो दब गया कि वो कट दिख ही नहीं रहा क्या हो. तो काफ़ी सारे लेस के ऑप्शंस उन्होंने हमें दिखाए थे बट कोई भी समझ नहीं आ रहा था. एंड फैब्रिक पे रखने के बाद कोई भी लेस उभर कर नहीं आ रही थी, खिलकर उसका कलर नहीं आ रहा था. साढ़े फिर हमने थोड़ी दूसरी शॉप्स को भी एक्सप्लोर किया. तो इस वाली शॉप में भी हमें एक लेस थोड़ी समझ आई थी. इसकी फिनिशिंग वगैरह सब कुछ अच्छी थी एंड नग लगे हुए थे पूरी लेस में. काफ़ी सुंदर ये लेस थी, डल गोल्डन कलर था एंड इसका जो प्राइस था वो 80 रुपीज़ पर मीटर इन्होंने हमें बताया था. एंड ये कट करके भी मिल जाती बट 80 रुपीज़ के हिसाब से थोड़ी सी कॉस्टली लग रही थी. तो हमने सोचा थोड़ी सी और शॉप्स को एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं और अगर कुछ और समझ आता है तो फिर हम ये वाली लेस परचेज कर लेंगे. तो हम उस शॉप में गए हैं जहाँ से मैं हमेशा परचेज करती हूँ अपनी सूट्स के लिए. काफ़ी बार मैंने इस वाली शॉप से परचेज किया है एंड इनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल होते हैं.
इस शॉप की डायरेक्शंस मैंने शहनाज गिल की वीडियो जो मैंने बनाई थी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की उसमें शेयर करी है, तो आप वहाँ पे जाके जरूर देख लेना अगर आपको ये वाली शॉप से कुछ भी लेसेस परचेज करनी है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है एंड ऊपर आई बटन में भी टैग कर दिया है, तो आप कहीं से भी जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग कुछ गोल्डन कलर में लेस सेलेक्ट कर रहे थे। और कौन सी अच्छी लग रही है? वैसे अच्छी तो लग रही है। और ऐसे में और कुछ डिजाइन दिखा दो। तो गोल्डन लेस में तो मैं सच कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए फिर हम सिल्वर के ऑप्शन में चले गए एंड हमने कुछ सिल्वर लेसेस भी ट्राई करी। एंड जो पिंटरेस्ट की आउटफिट है उसमें भी सिल्वर एम्ब्रॉयडरी हुई है बारीक सी। ये भी पीछे से सिल्वर ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस कलर में, है ना? ये अच्छी लग रही है, सिल्वर ही खुल के आएगा। ये कैसे पर मीटर है? 50 रुपये। फैब्रिक नीचे रख लो ना। ये मिरर वाली लेस हमें थोड़ी पसंद आ रही थी, इसका प्राइस था 30 रुपीज़ पर मीटर, बट इसमें एक पॉइंट था कि मेरी मासी को जो मिरर है वो अगर स्लीव्स में लगाते तो थोड़ा सा छुपता, तो इसीलिए इस रीज़न की वजह से हमने इस वाली लेस को परचेज नहीं किया। एंड जितनी भी शॉप्स में अभी तक हमने लेसेस को देखा था, जो भी हमें कोई लेस अगर पसंद भी आ रही थी तो वो हमें नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमें 2 मीटर या 3 मीटर लेस चाहिए थी एंड वो लोग बोल रहे थे कि पूरा रोल परचेज करना पड़ेगा आपको। तो इसी रीज़न की वजह से हम लोगों ने बहुत सारी लेसेस तो छोड़ दी जो हमें पसंद आ रही थी। इस कलर में मुझे सिल्वर अच्छा लग रहा है वैसे तो, है ना? इस कलर के ऊपर सिल्वर ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो हम इसीलिए उसी के ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे। ये मिरर वर्क इसमें दूसरी भी आती है ना जो मिरर नहीं होते, वो नहीं है? नहीं। कई बार डिसीजन लेना इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि इतनी सिंपल सी चीज के लिए भी इतने सारे ऑप्शंस देखने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता। यू गेट सो कन्फ्यूज्ड एंड समझ नहीं आता कि क्या खरीदें या क्या ना खरीदें। तो सिल्वर के भी बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने हमें दिखाए, बट प्रॉब्लम ये थी कि सारी मोस्टली शॉप्स में आपको कट पीसेस नहीं मिल रहे थे, कट करके लेस वो नहीं दे रहे थे, पूरा रोल ही परचेज करना पड़ता, तो पूरा रोल हमारे लिए यूजलेस था अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि एक तो वेलवेट फैब्रिक में पर्टिकुलर लेस ही चलती है, मतलब बहुत सारी लेसेस जो है वो सिलाई मशीन में नहीं चल पाती हैं, तो वो पॉइंट भी हमें देखना था। एंड साथ में ऐसी लेस भी चाहिए थी जो थोड़ी सी सिंपल सी हो। फिर हमने एक दूसरी शॉप भी ट्राई करी जहाँ पे हमें ये वाली लेस थोड़ी सी समझ आ रही थी, इसका प्राइस आई गेस 30 या फिर 50 रुपीज़ पर मीटर था, तो यहाँ पे भी उन्होंने हमें 2-3 ऑप्शंस दिखाए थे, दोनों हमें अच्छे लग रहे थे। यही तो लिया मैंने, ऐसी मिलती जुलती गोल्डन मेमोरी। अच्छा, ये थोड़ा ठीक तो लगाना ना, 80 वाली तो हटाई दो। ये भी अच्छे सोफा है, कुछ ज़्यादा लगेगा गला, 2 मीटर लगेगा उसे। ये नहीं सिल्वर से गोल्डन में आ जाती है? नहीं, मैंने कहा इसमें सिल्वर नहीं है, इस टाइप में गोल्डन यही ले लो। फिर फाइनली हमें एक लेस पसंद आ ही गई जो कि मतलब हमारे चॉइस की भी थी, उतनी पतली थी जितनी मेरी मासी को चाहिए थी एंड बहुत ज़्यादा हैवी वर्क भी नहीं था उसमें, सीक्वेंस का वर्क था हल्का फुल्का सा, और साथ में वो हमें कट करके देने को भी रेडी थे एंड काफ़ी ज़्यादा वो रीजनेबल भी थी। सो इनकी शॉप में भी आपको बहुत सारी वैरायटी दिख जाएगी, आपको हर टाइप की लेस इनकी शॉप में बेसिकली मिल जाएगी। इनका मैं कार्ड भी शेयर कर रही हूँ। आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि शॉप नंबर क्या है, शॉप का कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, सो मैं कार्ड आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड उस पर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। इनसे मैंने ये नहीं पूछा कि ऑनलाइन सेल करते हैं या नहीं, बिकॉज मोस्टली जो शॉप्स हैं लाजपत नगर में वो ऑनलाइन सेल नहीं करते हैं, कुछ ही शॉप्स में आपको ऑनलाइन डिलीवरी की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होती है। और इनकी शॉप्स में पैचेस भी मिल रहे थे, ऐसे जो पैच वर्क होता है एम्ब्रॉयडर्ड वाला फ्लोरल 3D पैचेस, तो वो भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी भी आउटफिट में लगा सकते हैं, ड्रेसेस में लगवा सकते हैं। और ब्रॉड लेसेस की भी काफ़ी वैरायटी थी इनके पास और मल्टी कलर के भी ऑप्शंस बहुत सारे थे एंड स्कैलप लेसेस के भी डिजाइन्स थे। तो ये वाली जो स्कैलप वाली लेसेस होती हैं लहंगे में बहुत सुंदर लगती हैं। बड़ी चौड़ी वाली कितने की है भैया? ये पूरा रोल ही मिलेगा, कितने का? अच्छा, सो सब लेसेस के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस थे, जैसे कि जो ब्रॉड वाली लेस मैंने आपको बताई है स्कैलप वाली, ये दूसरी वो 1700 या 1800 रुपए का पूरा रोल मिल रहा था एंड ये लोग कट करके नहीं देते, उसका पूरा रोल ही मिलता है, क्योंकि लहंगे में जनरली 9 मीटर्स इजीली लग जाता है, तो पूरा रोल ही देते हैं। एंड इनकी शॉप में आपको काफ़ी सारे लटकन के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, बटन्स के, लटकन्स के, लेसेस के, हर टाइप की वैरायटी इनकी शॉप में है। और इसी के आसपास आपको काफ़ी सारी और शॉप्स भी दिख जाएंगी जो लेसेस की हैं। सो ये वेलवेट का सूट है, आई नो कि अब थोड़ा सा लेट हो गया है वेलवेट के लिए,
बट द डिज़ाइन इज़ वेरी सिंपल येट एलिगेंट. आप इसे कोई भी प्लेन फैब्रिक परचेज करके उसमें ऐसा डिज़ाइन करवा सकते हैं, या कुछ एडिशनल भी आप दामन में लेस लगवा सकते हैं या पैंट्स में लगवा सकते हैं, या फिर आप एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हैं. तो आप कोई भी प्लेन सिल्क फैब्रिक या फिर कॉटन फैब्रिक या मोडाल कॉटन या मोडाल सैटिन भी ले सकते हैं, जो कि समर्स के लिए बहुत अप्रोप्रिएट होता है, एंड उसमें आप सेम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. सो इस टाइप के जो सिंपल डिज़ाइन होते हैं वो हमेशा ही ट्रेंड में रहते हैं हर सीजन में, एंड हर टाइप के फैब्रिक में चल जाते हैं. तो हम लोगों ने ये वेलवेट का फैब्रिक लिया था 5 मीटर्स एंड 175 रुपीज पर मीटर का ये फैब्रिक हमें पड़ा था. और साथ में ये वाली हमने लेस ली थी जो कि सिल्वर कलर में है, बहुत सुंदर सी स्कैलप डिजाइन है छोटा सा, एंड उसमें सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है. एंड ये वाली जो लेस हमें पड़ी थी अराउंड 30 या 50 रुपीज पर मीटर, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. आफ्टर गिविंग एवरीथिंग टू द टेलर, हियर इज द फाइनल लुक. सो दिस इज हाउ द होल आउटफिट टर्न्ड आउट. काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये सूट, एंड मेरी मासी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया. तो उन्होंने सिंपल शिफॉन का दुपट्टा डाई करा लिया था सेम कलर में, एंड उसमें सिल्वर लेस लगी हुई है चारों तरफ से, और नेक में हमने हाफ कॉलर रखवाया है, एंड स्लीव्स में और नेक में लेस लगवाई है वही वाली. एंड हमें कहीं आउटिंग पे जाना था तो उन्होंने ये वाला सूट पहन रखा था, तो मैंने जल्दी जल्दी से ये वीडियो रिकॉर्ड करी है उस दिन. सो या दिस वॉज इट फॉर टुडे. होप यू लाइक द आउटफिट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. शी लव्ड इट एंड आई ऑल्सो लव्ड इट. टू सब्सक्राइब.